हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी बीएड की जो ऑनलाइन फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं और 11 मार्च जो है आवेदन करने की लास्ट डेट है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों वो क्या रहेगा और कैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूपी बीएड के जो ऑनलाइन फॉरम है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीएड के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और जो ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11 फरवरी 2019। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो रहेगी 11 मार्च 2019 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवानी है उसके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 13 मार्च 2019। और परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन जो है जमा करवाने के लिए 13 मार्च 2019 तक आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म उसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है दोस्तों यानी कि एक्सपेक्टेड डेट दे रखी है वो है 11 अप्रैल 2019 को इसके लिए एंट्रेंस परीक्षा ली जा सकती है। और जो प्रवेश परीक्षा की जो संभावित रिजल्ट जो है जारी करने की डेट है वो है 10 से 15 मई तक इसके लिए रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग के लिए 1 से 30 जून तक जो है इसके लिए काउंसलिंग की जा सकती है। और जो शैक्षिक सत्र है जो उसके शुरू होने की जो डेट है वो है 1 जुलाई 2019 से इसके लिए क्लासेस जो शुरू हो सकती हैं। और अभ्यर्थियों को सीधा प्रवेश व उनके प्रमाणन की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2019। तो दोस्तों, इसमें प्रवेश हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व संबंधित इन निर्देशों का जो पालन करना होगा। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.mjpru.ac.in या फिर www.upbed2019.in पर आप जाकर आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। और आवेदन करने के लिए दोस्तों, आपको आवेदन पत्र के लिए आपको एक नवीनतम जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका उसकी ज़रूरत होगी। और जो दोनों तर्जनी तथा हस्ताक्षर जो हस्ताक्षर दे रखे हों यानी कि जो सिग्नेचर हो वो आपके होने चाहिए 35 mm और 45 mm के आकार में जो है अपलोड करने हैं आपको। जो आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों वो रहेगी, इसके लिए आपको 3 चरणों से संपन्न होगी। प्रथम चरण में आपको ऑनलाइन जो है पंजीकरण करना होगा सबसे पहले। और जो दूसरा चरण रहेगा दोस्तों, उसमें आपको आवेदन पत्र को पूरा करना होगा। और इसके बाद जो तीसरा चरण रहेगा आपका, उसमें आपको ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का जो है भुगतान तथा आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है वो प्राप्त करना है। यानी पहले में आपको सिर्फ पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। और जो लास्ट जो स्टेप रहेगा आपका, उसमें आपको जो फीस है वो पे करनी होगी और इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस दिशा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।